हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आई थी उसके बारे में और इसमें क्या क्या फीचर्स थे। इस एक्ट को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो पिछली रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में कमियां रह गई थी उसे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट दूर करना चाह रही थी। नेक्स्ट ये हुआ कि अब ड्यूअल कंट्रोल हो गया इंडिया के ऊपर, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का, पर फाइनल अथॉरिटी अब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही थी। चलिए अब एक्ट में क्या क्या फीचर्स थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है, इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सेपरेट कर दिया। सेकंड पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजिशंस इन इंडिया यूज की गई थी इंडियन टेरिटरीज़ के लिए। इससे पहले ब्रिटिश ने कभी भी इंडियन टेरिटरीज़ को अपनी टेरिटरीज नहीं कहा, पर 1784 एक्ट के बाद अब वो इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कह सकती थी। थर्ड पॉइंट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल भी स्थापित हो गया। फोर्थ पॉइंट ये है कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में सिर्फ रेगुलेट की बात की थी, पर हेड तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी सबॉर्डिनेट हो गई किसकी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की। फिफ्थ एंड द लास्ट वन, सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडियन टेरिटरीज के अंदर थी अब उस पर ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर दी गई, पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में अब भी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी। इस तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोज ब्रीफ में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।